हे गाइस, मैं दीप्ति आपका क्विक रेसिपी फॉलो चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा मसाला जो हमारे मल्टीपल मसालों का काम एक साथ करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कढ़ाई में ऐड करेंगे साबुत धनिया और इसे हम 80% तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसे साइड में रख देंगे और सेम कढ़ाई में हम ऐड करेंगे जीरा। जीरे को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये भी कुछ हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब बाकी के जो हमारे मसाले हैं उन्हें हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है बड़ी इलायची, दालचीनी और इसे भी हम हमारी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। हम डालेंगे इसमें लौंग और इसे भी हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और काली मिर्च। तो मैंने यहाँ पे साबुत काली मिर्च ली हुई है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे छोटी वाली हरी इलायची और 3-4 सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो क्वांटिटी आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम हमें मीडियम पे ही रखना है और इसे अच्छे से रोस्ट करके हम साइड में रख लेंगे। ये रहे हमारे सारे रोस्टेड मसाले। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो 3 से 4 बार रुक रुक के अगर हम इसे ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करेंगे तो हमारा जो मसाला है वो परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा जो मसाला है उसे हमने ग्राइंडिंग जार में पास कर लिया है और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा गरम मसाला, धनिया मसाला और जीरा पाउडर एक साथ बनके तैयार हो चुका है। आप इस मसाले को आपके घर में बनने वाली किसी भी रेसिपी में ऐड कर सकते हैं। ये उसके स्वाद को दुगना कर देगा। और इसी तरीके की क्विक रेसिपीज के लिए कीप वॉचिंग क्विक रेसिपी फोल्डर। थैंक यू।